तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज शिव महापुराण के तीसरे चौथे और पांचवें अध्याय का आज हम वाचन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा अध्याय बिंदु ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, समुद्र की निकटवर्ती प्रदेश में वाजकल नामक गांव है। वह वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट है एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वह देवताओं में एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी है। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान वैराग्य तथा समृद्धि ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि है। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख है। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार तथा सजाता से सर्वथा शून्य है। वह सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाजकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण में प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूल बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती या विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवियों किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार के वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े कर देंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। तो आगे हम पढ़ेंगे शिव महापुराण का चौथा अध्याय।
चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरणों में आ जाओ, उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें दुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने में तुम्हारी वृत्ति शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुष के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिवपुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंध रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति नीचे ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो, इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सुत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर गई हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिवपुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिवपुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है, कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सुत जी कहते हैं, शिवपुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिवपुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सुगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची, उसके सारे पाप धुल गए, वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उसकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे, उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। पांच मुख और हर मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हो गई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनित भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। तो अभी हम शुरू करेंगे इस कहानी का पांचवा अध्याय।
बिंदुक का पिशाचोनी से उद्धार। सुच्ची बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता, उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिया है, आप ही सगुना और निर्गुना है, सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की श्रुति पालन और सहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सुजी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़े। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सुजी कहता है, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुख हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिवपुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण की सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तंबूरों को बुलाकर कहा, तंबूरों, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों का सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सब की के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था, वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्यकर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रहता है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिवपुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय भी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूजी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तंबूरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी तो डोरी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तंबूरे ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तंबूरे ने शिव पुराण की कथा बांधने के लिए स्थान तलाशकर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तंबूरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तंबूरों से परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताएं हो सही शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य
में शिवपुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौरव वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्रों को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुर की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो ये था अपना शिव महापुराण का पांचवा अध्याय। इस प्रकार से इस भाग में हमने तीसरे चौथे और पांचवें अध्याय को पूर्ण कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय में। धन्यवाद।